कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। नमस्कार, मैं हूं जिया। 24 से 25 साल की उम्र में करियर बनाने के चाहने दो युवकों को इस अंजाम तक पहुंचा दिया कि उन्होंने लूट के इरादे से मेरठ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के मालिक डीके जैन व उनकी पत्नी मंजू जैन की हत्या कर दी। यह चाह यदि सही डायरेक्शन में होती तो बात कुछ और थी, लेकिन इस दूषित चाह ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बचा दिया। डीके जैन वे मंजू जैन के दोनों हत्यारे प्रियांक शर्मा निवासी न्यू मोहनपुरी वे यश शर्मा निवासी ढड्डा थाना रोहटा को पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को मीडिया के समक्ष पेश किया। इस लूट को अंजाम देने का आइडिया उन्होंने वेब सीरीज असुर देखने के बाद किया। वारदात को अंजाम देने से पहले इन नई उम्र के बदमाशों ने घर व आसपास के इलाकों की रेकी की थी। सभी के आने व जाने का समय नोट किया था। बेटे नवीन जैन व उनकी पत्नी के गांधी बाग जाने के रास्ते व आने जाने की पूरी जानकारी ली। इस काम में इन बदमाशों ने 3 माह का समय लगाया। इन लोगों का फोकस इस बात पर भी रहा कि उन मार्गों से गुजरा जाए जहां कैमरे कम से कम लगे हैं। बाइक का नंबर भी पुलिस व CCTV को चकमा देने के लिए किया। मेरठ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित साजवान ने बदमाशों को पेश करते हुए मीडिया को यह जानकारी दी। थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत 10 तारीख को प्रातः 7:30 से 8:30 के बीच में एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनमें एक व्यवसायी हैं, उनके घर में दो युवकों के द्वारा घुसकर गोली चलाई गई और उसके अलावा घर में जो बड़े बेटे और उनकी जो पोती थी उनको बंधक बनाकर लूटपाट की गई थी और इसमें आभूषण उनके घर से लूट हो गए थे। इसमें पुलिस के द्वारा 500 से अधिक CCTV कैमरे 40 लोगों के माध्यम से खंगाले गए, जिसमें पूरा कहां से वो आए और कहां गए ये पूरा रास्ता देखा गया और उसके बाद दो अभियुक्तों प्रियांक शर्मा और यश शर्मा की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों पड़ोसी हैं और इसमें प्रियांक शर्मा LLB के मेरठ कॉलेज में छात्र हैं। इसके अलावा जो दूसरा यश शर्मा ये 8वीं पास और एक बैटरी की दुकान में कार्य करता है। इनके द्वारा योजना 2020 के बाद वेब सीरीज़ देखकर ये अपनाएगी, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो इसके द्वारा वेब सीरीज़ देखी गई और इसके द्वारा सोचा गया कि मैं भी लूटपाट करूँगा और एक अच्छा सामान मुझे मिलेगा, उसके बाद मैं व्यवसाय आरंभ करूँगा। ये घटना इसने सोची और इसके बाद इसने उस पूरे रोड में एक ऐसा मकान तलाशा जो मकान में एक्सेस करना उसके अंदर घुसना बहुत ही आसान था। इसके अलावा उसका गेट एक बार खुल जाता था तो दोबारा बंद नहीं होता था और अगर बाहर से देखें तो पूरा अंदर बेडरूम तक दिखता था। तो इस तरह के इसने रेकी की 50 से अधिक बार इसने उस घर के आसपास वहाँ पर बैठा, वहाँ देखा और उनकी दिनचर्या का अध्ययन किया। इसके अलावा जो दूसरा अभियुक्त है इसको भी इसने साथ में मिलाया और घटना इनके द्वारा 10 तारीख को की गई। घटना से एक दिन पहले भी एक अभियुक्त इनके घर के अंदर गया था और जो बुजुर्ग महिलाएं उनसे मकान में किराएदार बनने को लेकर उनसे वार्ता की थी। इस पूरे प्रकरण में CCTV फुटेज के माध्यम से दोनों की गिरफ्तारी की गई है। जो संपूर्ण आभूषण थे उनकी बरामदगी की गई है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल जिससे 32 बोर की जिससे कि हत्या की गई है वो भी बरामद हुई है, चाकू बरामद हुआ है और जो कपड़े इनके द्वारा घटना में प्रयोग पहने गए थे और जो मोटरसाइकिल उपयोग में लाई गई थी वो भी बरामद हुई है। और इनके द्वारा बताया गया कि जो एक वेब सीरीज़ थी असुर आई थी 2020 में, उसको उस टाइम में इसने देखा था प्रियांक शर्मा ने और उसके बाद इसने सोचा था कि मैं कोई ऐसी घटना करूँगा या कोई ऐसा अपराध करूँगा और जिससे कि मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और मेरा जो आगे व्यवसाय भी मैं कर पाऊँगा। जो अवैध असलाह था पहले ये जो योजना थी एक अन्य युवक के साथ प्रियांक शर्मा के द्वारा बनाई गई थी, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी तो ये उसी का जो असलाह था ये इसके पास रखा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।